नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे PLC के बारे में जिसमें अगर आपको PLC को परचेज़ करना है तो उसमें हमें उसको पार्ट्स में खरीदना पड़ेगा, यानी कि जो इनपुट कार्ड होगा वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा, आउटपुट कार्ड मुझे अलग से लेना पड़ेगा, और उसके साथ ही जो उसका CPU कार्ड होगा जिसमें हमारा प्रोग्राम सेव रहता है वो भी अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं जिस PLC की बात कर रहा हूँ वो हमारी Schneider की M580 मॉडल की PLC है। जैसे अब यहाँ पढ़ रहे होंगे, ये Schneider की आपकी PLC है और इसका जो मॉडल है ये आप पढ़ रहे हैं इसके ऊपर M580, ये हमारी PLC है। जो हम इस PLC की बात करें, अगर आपको हमें ये PLC अपने सिस्टम में लगानी है तो हमें ये पार्ट को अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, इस पार्ट को हमें अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, इसको हमें अलग से परचेज़ करना पड़ेगा और इसको भी हमें अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, और जो अब ये बेस दे गए हमें ये भी अलग से ही परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि ये जो PLC है इसमें जो पार्ट्स लगा रखे हैं वो किस किस फ़र्क में काम आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी। ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड है, यानी कि जो हमारी इस कार्ड के लिए हम 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं, जो कि सिलेक्ट मॉडल की है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। ये बोर्ड इसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ से जो मेरी सप्लाई आएगी वो इस कार्ड में आएगी, इस कार्ड के थ्रू मेरे जो नीचे के आप ये बेस देख रहे हैं इनमें ये सप्लाई सर्कुलेट हो जाएगी। और जब ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं, ये मेरा CPU है, यानी कि वो पार्ट जिसमें हम अपना प्रोग्राम सेव, रीड और राइट करते हैं वो हमारा ये पार्ट होता है। तो ये भी हमें अलग से परचेज़ करना पड़ा। इसके बाद जो ये कार्ड देख रहे हैं, ये हमारा इनपुट कार्ड है। इसमें जो मिनिमम इनपुट आती है वो 32 इनपुट में आती है। आप इसकी पिनें काउंट करेंगे तो ये हमारी टोटल 32 पिन रहेंगी। तो ये हमारा इनपुट कार्ड है। और इसके साथ जो कार्ड देख रहे हैं, ये हमारा आउटपुट कार्ड है। जो जरा मेरा आउटपुट कार्ड है वो मेरा 20 पिनों में आता है, यानी कि 10 इस साइड पर हो, 10 ही इस साइड पर है। और इस पूरे फ्रेम जो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी PLC है इसको हमने इस फ्रेम के ऊपर माउंट किया हुआ है, जबकि जब आप ये ढक्कन खोलेंगे तो ये इसके ऊपर हमारी कोई भी हमारा इनपुट या आउटपुट कार्ड कुछ भी रहेगा वो हमारा इसके ऊपर इस चीज़ के इस पिन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा और वो वर्क करना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें इसकी प्राइस को लेके, तो ये पूरा PLC का बंच मेरे को 2,20,000 के आसपास का ये पूरा मुझे बच पड़ा है। तो अगर हम बात करें कि ये PLC 2,20,000 की मुझे क्यों पड़ी है, तो इसका एक रीज़न है। जो ये मेरी PLC है ये फुली साइबर सिक्योरिटेड PLC है, यानी कि एक ऐसी PLC जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, इसको किसी भी तरह से हम हैक नहीं कर सकते। जो ये PLC होती हैं हमारी मोस्टली उन एप्लीकेशन में ज़्यादा लगती है जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती हैं, यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो वहाँ पे हम ये PLC का यूज़ करते हैं। मैं जो इस PLC का यूज़ कर रहा हूँ, मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इस PLC का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि इस PLC को ट्रोटियम सेफली यूज़ कर सकें हमारे सर्किट में और इसे हम प्रॉपर वर्किंग ले सकें। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट को, तो इसमें हम जो हमारी इनपुट रहेंगी वो डायरेक्ट इनपुट कार्ड पे नहीं आएगी, ना तो आउटपुट हमारी डायरेक्ट यहाँ पे आएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, इसके लिए मैंने अलग जो मेरी इनपुट आउटपुट है मैंने यहाँ पे छोड़ दी हुई है, यानी कि ये बंच मेरा इनपुट का हो गया और वो बंच मेरा आउटपुट का हो गया। तो उसके साथ मुझे कनेक्टर मिला हुआ है, जो कनेक्टर होगा मेरा यहाँ पे इनपुट कार्ड पे और जो आउटपुट कार्ड पे मेरा कनेक्टर लग जाएगा, और कनेक्टर से वायरिंग इस यहाँ प्लास्टिक के इसमें से होती हुई हमारे इस पार्ट में आ जाएगी, और जिससे हम अपनी PLC को ऑपरेट करा सकेंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा। जो भी PLC में हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊँगा। और हाँ, जब ये PLC साइट पर इंस्टॉल होने के लिए जाएगी और इसमें जो भी प्रोग्राम रहेगा उसकी भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा कि इसमें हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसकी जो वर्किंग साइट पे हो रही है वो कैसे हो रही है, तो इसका जो पूरा ब्रीफली होगा मैं आपको साइट पे जाके ही बताऊंगा कि ये साइट पे इसको हम कैसे वर्क में ले रहे हैं। तो जैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।